कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने तीसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 2 रनों से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सामने 151 रनों का लक्ष्य रखा, जिसका पीछा करते हुए वो 20 ओवरों में 5 विकेट गंवा कर 148 रन ही बना सकी। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर इंडियन प्रीमियर लीग में लगातार 3 पारियों में आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके साथ ही इस T20 लीग में सर्वाधिक बार 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड भी गंभीर के नाम पर दर्ज हो गया है। इससे पहले वो मुंबई इंडियंस और दिल्ली डेयर डेविल्स के खिलाफ भी खाता नहीं खोल पाए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर मिली 2 रन की जीत को अविश्वसनीय करार देते हुए कहा कि वो जानते थे कि पुरानी गेंद पर शॉट लगाना आसान नहीं होगा। बेंगलुरु की टीम की जीत एक समय औपचारिकता लग रही थी, लेकिन आखिरी क्षणों में केकेआर ने वापसी की। पाकिस्तान के अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज इजमाम उल हक ने कहा है कि वकार यूनिस को फिर से देश की राष्ट्रीय टीम का कोच नियुक्त किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया के डेव वाटमोर का इस साल फरवरी में 2 साल का अनुबंध समाप्त होने के बाद पाकिस्तान स्थायी कोच नियुक्त करने की प्रक्रिया में है। किंग्स इलेवन पंजाब के तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी का मानना है कि भारतीय टीम से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की खास पारी का इंतजार है। बालाजी ने कहा कि सहवाग एक खास पारी खेलकर पूरा परिदृश्य बदल देंगे। भारत के सोमदेव देववर्मन और उनके क्रोशियाई जोड़ीदार एंटे पाविच को बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सोमदेव और पाविच पहला सेट जीतने के बावजूद गालुंग और स्टेफनी रॉबर्ट से 6-4, 3-6, 5-10 से हार गए। बार्सिलोना ओपन टेनिस में हार से सोमदेव का अभियान भी टूर्नामेंट में शामिल खत्म हो गया। भारतीय चुनौती अब डेविस कप खिलाड़ी रोहन बोपन्ना पर टिकी है। वो पाकिस्तान के अपने जोड़ीदार एसाम उल हक कुरैशी के साथ डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। उनका सामना जिमनोजिच और डेनियल नेस्टर की जोड़ी से होगा। आरएमवी गुरुसाई दत्त और पीवी संधु और महिला डबल्स जोड़ीदार ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वर्ल्ड की 10वीं वरीय महिला सिंगल्स खिलाड़ी संधु ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान की एरिको हिरोसे को 14-21, 21-13, 21-18 से हराया। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में पी कश्यप को चीनी ताइपे के सू जेन होआओ ने हराया। होआओ ने कश्यप को 25-23, 21-17 से हराया। बीते साल ऑल इंग्लैंड ओपन में कश्यप ने होआओ को हराया था, लेकिन इस बार चीनी खिलाड़ी ने हिसाब बराबर कर दिया। भारत के बजरंग ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पुरुष फ्री स्टाइल में सिल्वर और सत्यव्रत कायद्यान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। बजरंग ने 61 किलोग्राम रजत जबकि कायद्यान ने 97 किलोग्राम में कांस्य पदक हासिल किया। बजरंग फाइनल में ईरान के मसूद एस्माइलपोर से 0-11 से हार गए। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए।
हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।